यूपी के मिर्जापुर जिले में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने निशुल्क इलेक्ट्रिक कार और बस सुविधा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किया उद्घाटन। विंध्याचल में स्थित अमरावती चौराहा पर देशांतर रेखा पर सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 2 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होकर देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरता है। मिर्जापुर से ही इंडियन स्टैंडर्ड्स टाइम तय किया जाता है। आज हमने इस जगह पर सेल्फी पॉइंट बनाया है। देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। 2 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड ये देशांतर रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है और यहाँ से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तय किया जाता है। तो आज हमने इस जगह पर एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। तो देश और दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहाँ पर आते हैं और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जो उत्सुकता रखते हैं और ये यहाँ आकर देखेंगे कि ये जो हमारी 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है ये मिर्ज़ापुर से होकर गुजर रही है, तो यहाँ पर वो एक सेल्फी ले सकते हैं और उस सेल्फी को हमेशा के लिए एक यादगार पल की तरह अपने लिए संजोने का काम कर सकते हैं। मैम, एक बस का भी उद्घाटन किया है और गाड़ी का क्या है, ये गाड़ी का क्या कैसे जाएगा? आप सभी जानते हैं विंध्याचल कॉरिडोर का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और बहुत ही शानदार हमारे कॉरिडोर का विकास कार्य बहुत जल्दी जो पूरा होने वाला है और त्रिकोण दर्शन के लिए खास तौर से जो देश और दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु और दर्शनार्थी बड़ी संख्या में यहाँ पर आते हैं, खास करके अभी नवरात्र है, बड़ी संख्या में आएंगे आप सब जानते हैं, तो दर्शन करने में सहूलियत हो उसके लिए हमने एक इलेक्ट्रिक बस सेवा निःशुल्क प्रारंभ की है CSR फंड से और इसके साथ साथ हमने कुछ कार्ड्स भी यहाँ पर संचालित किए हैं जो मुख्य रूप से जो वरिष्ठ जन है या जो दिव्यांग जन है या ऐसा कोई भी दर्शनार्थी, ऐसा कोई भी श्रद्धालु जिसको चलने फिरने में असुविधा है, उनके लिए ये कार्ड्स और ये इलेक्ट्रिक बस बहुत ही सुविधाजनक साबित हो।